सभी लाइव देख रहे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपका दोस्त हूं सुनील शर्मा। और आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिकोडिंग द रिवॉल्यूशन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। इस विषय पर फाउंडर एंड सीईओ है एथिकल एडवाइजर के मिस्टर दीप मोदी। मिस्टर मोदी तमाम ऐसे फाइनेंशियली और ऐसे इनकम ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बड़े जानकार हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये नेशनल भारत में ही नहीं, दूसरी कंट्री में भी सेवा करते तमाम लोगों के सीए हैं और सीएस भी हैं, तमाम ऐसे लोगों से ऐसे बड़ी बड़ी संस्थान से जुड़े हैं और एथिकल एडवाइजर के फाउंडर डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। तो उनका मैं स्वागत करता हूं और हमारे जो मॉडरेटर ए पिंटो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और इस वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों हमारे जो कीनोट स्पीकर है मिस्टर डिक मोदी की शुरुआत मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में, तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग। तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग क्योंकि क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। ऐसे खूबसूरत जो फूल है हमारे मिस्टर डिक मोदी और मिस्टर ए पिंटो अस्टिन पिंटो दोनों का मैं वार्म वेलकम करता हूँ, सुस्वागत करता हूँ। और साथ ही पेश करता हूँ हमारे जो मॉडरेटर है ए पिंटो, वो तमाम आप लोगों के सवाल के जवाब देंगे, जो सवाल लास्ट में लेंगे आपके तमाम पार्टिसिपेट कर। और हमारे आज की कीनोट स्पीकर मिस्टर डिक मोदी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अब मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर डिक मोदी को अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखें और शुरुआत मैं आपका वार्म वेलकम करते हुए, आप आगे का मंच आपके हवाले मिस्टर डिक मोदी, प्लीज वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया महासेवा और MNS से जुड़ के जो भी हमारी विषय। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमेशा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं। आपने हमें फूल कहा है, ये मैं समझता हूँ हिंदी का फूल है, अंग्रेजी का फूल नहीं। तो इसी आशा के साथ मैं आपको थैंक्स बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स एंड टू ऑल दी एस्टीम्ड गेस्ट्स ऑन दिस वेबिनार, मैं सहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि सैटरडे इवनिंग 8 बजे आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा प्रेजेंटेशन 15 से 20 मिनट तक कर ही रखूंगा मैं, ताकि आप उसको देख सकें, आप उसको समझ सकें। एक दो छोटे यूट्यूब के उसको वन वे फ्लो नहीं करेंगे, उसको पार्टिसिपेटिव करेंगे। आपका विषय है इन प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, तो इसके विषय में एक दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मैं उपयोग करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन का मतलब है सुरक्षा, प्रोटेक्शन का मतलब है एक तरीके से कवच। ये कवच 2020 के जो साल में है, स्पेशली पैंडेमिक के साल में, बहुत ही अनिवार्य हो गया है। जो हम पहले इसका उपयोग या उसका महत्व नहीं समझ सकते हैं या उसको अंडर अप्रिशिएट करते थे, पूरे विश्व में इसकी जागरूकता आई है, एक तरीके से उसका एक बहुत बड़ा महत्व बाहर आया है और टॉप प्रायोरिटी है बिजनेस ओनर्स की या हम जैसे फैमिली ओनर्स की, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनी मेंटरशिप दैट यू हैव फॉर योर स्टाफ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर हुमएवर यू रिप्रेजेंट एज ट्रस्टीज ऑफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो फॉर आवर फैमिली, हमारे फैमिली के लिए हम ट्रस्टी होते हैं, हम कर्ता होते हैं। तो एक रीत से हमारा दायित्व होता है कि जो कवच है, जो प्रोटेक्शन है, जो हमको देना चाहिए, वो हमको उसको प्रेजेंट करना चाहिए। अब ये प्रोटेक्शन क्या होता है, सुरक्षा किससे करना है? देश की सुरक्षा तो जवान कर ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट कर ही रही है। हमारा ये जो दायित्व है प्रोटेक्शन का, वो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जैसे हमने कई फिल्मों में देखा है, और अगर हम हमारे में अंदर बॉलीवुड जागरूक है तो हमको पता है कि पैसे की जो कमी होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकती है जीवन में, किसी के भी जीवन में, चाहे वो आज मिडिल इनकम का हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, राजा से रंक हो सकता है अगर उसने सही मायने में अपना प्रोटेक्शन प्लान नहीं किया हो। इसके विषय में बहुत ही सिंपल है कि जीवन अनिश्चित है, लाइफ इज अनसर्टन, लाइफ इज नॉट एट ऑल सर्टन, और लाइफ के अनेक पहलू होते हैं फॉर एनी पर्सन, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आपने शायद देखा होगा आज ही के समाचार में है कि अमेरिका के बिलियनेयर डालियो
जिसकी नेटवर्थ करीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर की है। ये विश्व के सबसे विख्यात और सबसे माने जाने माने इन्वेस्टर हैं, जो सारी दुनिया में निवेश करते हैं। उनके पुत्र का निधन हो गया है, वो कनेक्टिकट में कार क्रैश में 42 साल के उनके पुत्र का निधन हो गया है, के नेटवर्क का आदमी। और ये हो सकता है, अनसर्टेनिटी इज अराउंड द कॉर्नर एवरीवेयर। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जागरूकता पैदा करने वाले हैं कि किसी के भी जीवन में कुछ भी घट सकता है। हम आशा करते हैं कि न हो, लेकिन बाकी सब नियति के हाथ में है। डेथ, डिजीज एंड इलनेस एंड डिजेबिलिटी, दिस इज समथिंग विच आर थ्रेट्स। ये थ्रेट से डरने की जरूरत नहीं, इसका एक कवच बनाना जरूरी है। इसके सामने फ्यूचर में हमारी फैमिली को तकलीफ ना हो, हमको तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। ये टॉपिक आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत सिर्फ पैसा बनाना जरूरी नहीं है, पैसे को गार्ड करना और पैसे को का नुकसान ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो विदाउट मच ऑफ डिले आई विल स्टार्ट ए स्मॉल प्रेजेंट। We have some very intelligent questions from this very intelligent and experienced audience, जिसके कारण हम सब, तो दोस्तों ये रेवोल्यूशन जो है आया हुआ, एक सैलाब आया है भारत में और विश्व भर में। भारत में खास करके जब से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई है, लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हैव कम इन। बट उसके पहले एक क्विक 2 मिनट का स्लाइड शो, जे जो हमको बताता है कि कितना हम लोग कंप्लेसेंट है, क्योंकि भारत आज के दौर में विश्व में सबसे अंडर प्रोटेक्टेड कंट्री है, सबसे अंडर पेनिट्रेटेड कंट्री है फ्रॉम दी इंश्योरेंस परस्पेक्टिव। सो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, इंडिया रैंक्स इन द लोअर कैटेगरी, एंड हेंस इट इज आवर ड्यूटी फर्स्ट टू इंश्योर आवर सेल्व्स एंड देन स्प्रेड द वर्ड। सो आज की तारीख में ऐसे हमने एक एक उदाहरण लिया है मिस्टर कि मोदी, एक पर्सन है मिस्टर सी, मिस्टर जो मोदी, अच्छा मिस्टर कमाते सी, हैं। या तो हमने एक उदाहरण लिया है कि अगर कोई बंदा अच्छा इनकम कमा रहा है लेकिन कंप्लेसेंट है, उसने एक स्मॉल एग्जांपल में वो 4 लाख कमा रहा है साल का, प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, तो ही हैज नॉट पेड टू मच अटेंशन टू हिज प्रोटेक्शन पार्ट। ही हैज इनफ इन्वेस्टमेंट्स, ही हैज इनफ सेविंग, ही हैज गुड प्रॉपर्टी ऑफ करोड़, सब है, लेकिन लाइफ कवर खाली 20 लाख का है और मेडिक्लेम सिर्फ 5 लाख का है फॉर अ फैमिली ऑफ फोर। इसको हमने नाम दिया है मिस्टर कंप्लेसेंट। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मोड आता है जिंदगी में जबकि प्रमोशन नहीं होता है, उनको सैलरी उनकी 30% कट हो जाती है। ये दिस इज नॉट अ वेरी अनयूजुअल स्लाइड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू दिस फेज इन 2020, सो इट इज अ वेरी रेलेवेंट एंड अ वेरी प्रैक्टिकल स्लाइड। उनकी इनकम अब घट गई है, 4 लाख पर मंथ था, अभी 2.8 लाख हो गया है। अनफॉर्चुनेटली उसी में मिसेस को एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गया है। अभी उनके सामने समस्या आ गई है, ये तो कैश फ्लो कम हो गया है, उनकी जो सैलरी थी वो घट गई है, बहुत बड़ा खर्चा आ गया है, सिर्फ कवर 5 लाख का है, और बहुत बड़ा क्रिटिकल इलनेस आ गया है जिसको उनको पेमेंट करना है, और मेडिक्लेम इनएडिक्वेट है, तो उनको अपने सेविंग्स तोड़ने पड़ रहे हैं, उनका एफडी वगैरह है उसको तोड़ के मेडिकल बिल्स भरने पड़े। सो इज नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। फाइनेंस प्लानिंग की होती, प्रोटेक्शन प्लानिंग की होती, तो उनका टोटली डिफरेंट एक उनका जो सिचुएशन होता है। तो नाउ वी आर टेकिंग, इफ ही हैड डन हिज थिंग्स वेल, इफ ही वाज प्रूडेंट, एंड द सेम केस इन द बॉटम, इफ यू सी, इफ यू हैड अ गुड लाइफ कवर ऑफ 3 करोड़, की कहीं उनकी डेथ हो जाए तो फैमिली को एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है, और मेडिक्लेम कवर आज के मेडिकल एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के 5-10 लाख के बदले में 20-25-30 लाख या 1 करोड़ का फ्लोटर, तो उनको कुछ भी तकलीफ ना होती, उनका जो ये जो इम्पैक्ट होता फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उनको कुछ भी अपने सेविंग्स तोड़ने की जरूरत न पड़ती। सो ये तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लाइड है, एंड लाइक आई सेड इट्स पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे आप देखें यहाँ पे 3 बिंदु है, एक प्रोटेक्शन, एक वेल्थ और एक सक्सेशन प्लानिंग। आज का विषय जो है उसके ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है प्रोटेक्शन, और किस तरीके से हम इसको अपना सकते हैं, किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं, दिस इज द फोकस ऑफ टुडे। सो आप जैसे देखे होंगे यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, एक तो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, और तीसरा बिजनेस इंश्योरेंस। बेसिकली ये कहता है कि सबके ड्रीम्स होते हैं, सबकी लाइफ में एक इच्छाएं होती है, अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन लाइफ अनसर्टन है,
और उसको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं फाइनेंशियल डैमेज का। तो पहले चलते हैं जीवन बीमा की ओर, जिसमें हम जैसे आप देख सकते हो कि आज की तारीख में इंडिया में, जैसे डेवलप कंट्रीज में तो ये काफी सालों से है, 10-20 साल से ये सब है, लेकिन कैसे ये सेम प्रोडक्ट्स या ये सेम सुविधाएं इंडिया में भी अब धीरे धीरे करके आ गई है। इंडिया का अर्निंग पावर बढ़ गया है और विश्व में इंडिया इज नाउ वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज विच आर सीन टू ग्रो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो वेल्थ क्रिएशन होने वाला है, वेल्थ हो रहा है, और जैसे जैसे ये होता है प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली इंप्रूव हो रहे हैं। सो पहले आप देखें, एक होल लाइफ कवर आपको मिल सकता है। 10 साल पहले अगर आपको कवर चाहिए था लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा, आपको 60 या 65 साल से ज्यादा नहीं कवरेज मिलता था। इसका यही कारण था कि इंश्योरेंस कंपनीज तैयार नहीं थी इतना रिस्क लेने की, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसका मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ जाता है, और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है उसके डेथ के ऊपर बहुत सारे क्लेम्स आते हैं। लेकिन आज की तारीख में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके इन्होंने ऐसे एज 99 तक का, इसको कहते हैं होल लाइफ प्लान्स, आपको वो कवर मिल सकता है। सो नाउ दीज प्लान्स आर अवेलेबल विच मैच द सेम टर्म्स और आर अवेलेबल इन द सेम फॉर्मेट एज दोज इन यूएस, यूके, जापान एक्सेट्रा। कि यार मैं जीऊंगा 99 साल तक क्या नहीं पता नहीं, तो मैं क्यों हर साल प्रीमियम भरूं 99 साल तक? इसका बहुत सरल उसका एक आंसर है। इसका एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन किया है सम ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज ने, कि उसको लिमिटेड पे ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब आपको 99 तक लेना है एज तक कवर, या 85 तक लेना है, या 75 ईयर्स तक लेना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि आप हर साल प्रीमियम भरो, आप प्रीमियम एडवांस में भर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं सिर्फ 40 साल का हूं, मुझे अगले 10 सालों में पूरा प्रीमियम जो 99 ईयर्स या 85 ईयर्स तक जो भी मेरी लाइबिलिटी है, मैं 10 साल में भर के उसको खत्म करने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं लिमिटेड पे। यदि आप ये चूज करते हो ऑप्शन, प्रश्न उठना चाहिए कि भाई जो 40-50 साल का प्रीमियम भरना है उसको मैं अगर 10 साल में भरूं तो इतना लोड कहाँ से ले सकूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो इसमें भी सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप लिमिटेड पे चूज कर सकते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देती है। इट इज केस टू केस, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने 5, 7 या 10 साल का पे ऑप्शन ले लिया और कवर 20, 30, 40 साल का भी रखा, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट 5 से 10% का नहीं है, 20, 30, 40, 50% तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर सेक्स, मेल या फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है केस टू केस। तो दोस्तों, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जो इंडिया में आ चुका है। दूसरा बहुत बड़ा एक इनोवेशन हुआ है कि कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं प्रीमियम भरने को तैयार हूं, लेकिन इसका क्या फायदा कि अगर मैं मरूं तो ये पैसा मुझे तो मिलने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इस पे बहुत बड़ा जो एक अंधविश्वास है। ये जो भी जीवन बीमा की राशि होती है वो आपके लिए नहीं है। एज वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, इट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फ्यूचर जनरेशन, टू योर सक्सेसर्स। दूसरा एक मिथ होता है, एक अप्रिहेंशन होता है कि यार मैं प्रीमियम भरे जाऊंगा, इसका फायदा मुझे नहीं होगा, ये पूरा मुझे मेरा नुकसान होगा, उससे अच्छा करता हूँ या शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। ये एक तरीके से ठीक सोच है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मान के चलिए कि आपका प्रीमियम आता है, आपने 3-4 करोड़ का कवर ले लिया है, आपका सालाना प्रीमियम आता है 50,000 रुपये का, आपने 50,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 3 साल आपने वैसे किया, तो ठीक है आपकी राशि बढ़ रही है, लेकिन मान के चलो कि तीसरे साल में डेथ हो गई। यदि ये पैसा आपने जमा किया होता लाइफ इंश्योरेंस प्लान में, अपने खुद के प्लान में, तो 2 या 3 करोड़ का बीमा या वट एवर था वो आपका ट्रिगर हो जा रहा था। यहाँ पे तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए जमा हुए, तो देयर इज अ बिग गैप, आप ये कभी नहीं जमा कर सकते हो। ये जो धनराशि होती है लाइफ इंश्योरेंस की, ये आप कभी नहीं इसको जमा करके रेडी रख सकते हो। ये एक पूल्ड मैनर में इंश्योरेंस कंपनी ही आपको ऐसा कवच दे सकती है। तो ये दोस्तों, इसमें ये है कि पे बैक प्लान्स भी आते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम जिसे कहते हैं हम,
टर्म प्लान के साथ साथ अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन चूज करते हो, लाइफ इंश्योरेंस के साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर आप ऑप्शन चूज करते हो, तो आप जो भी प्रीमियम भरते हो, कई स्कीमों में ऐसा होता है कि 70 के एज पे आपको सारे का सारा 65 70, या जब तक आपको चाहिए आप लिमिटेड पे ऑप्शन ले लो, उसमें आप भर दो पूरा पैसा, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट क्लेम करो। और साथ साथ में जब आपकी मेच्योर हो प्लान, तो जो भी आपने प्रीमियम भरा है कंपनी आपको वापस दे देगी। तो ये बहुत इनोवेशन है, तो हम आज तक क्लाइंट्स के पास या हमारे दोस्तों के पास ले जाने में हम हिचकिचाते नहीं है। क्योंकि तो अगर आप प्लेन न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ोगे किसी भी जीवन बीमा का, तो ये पॉइंट क्लियरली बाहर नहीं आता है। तो इस वेबिनार के माध्यम से ये हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। इंश्योरेंस ऑप्शन सिर्फ अभी ऐसा नहीं है रहा कि जिसमें डेथ हुई तो ही पैसे मिलेंगे, इसमें काफी इंश्योरेंस कंपनीज क्रिटिकल इलनेस कवर भी देते हैं। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। क्रिटिकल इलनेस कवर जो होता है वो एक एड ऑन कवर होता है, तो जीवन बीमा के साथ आप जोड़ सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा प्रीमियम भरना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा है वो फ्यूचर में जब तक तो आपका कवर वैलिड है, यदि आपकी डेथ नहीं होती है लेकिन मान के चलो भगवान न करे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, या कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जो डिफाइंड है पॉलिसी में, इसके कारण आपको एक फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो वो आपको जो भी आपने क्रिटिकल इलनेस का जो एक्स्ट्रा कवर लिया है वो आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। अब उस पैसे से आपका इलाज कराओ या उसको न कराओ, या उसको आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। कहीं आपका मेडिक्लेम है तो उसके साथ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस तो मीट हो ही जाएगा, लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस प्लान अटैच हुआ है वो आपको सीधा कैशबैक, जैसे आपने देखा होगा कि केबीसी में जिस धनराशि सीधी जाती है, तो सिर्फ उसी तरह ये धनराशि आपको मिल जाती है क्लेम करने के बाद। तो ये रहा क्रिटिकल इलनेस एड ऑन पे थोड़ा विश्लेषण। कई पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम मिलता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्लाइड में, और टर्मिनल इलनेस बेनिफिट्स भी होती हैं। वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम मतलब आपका फ्यूचर में जो भी प्रीमियम भरना है वो हम नहीं लेंगे, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी क्यों करेगी आपको, उनको क्यों अपना नुकसान कराना है। आइए समझते हैं इसको कि ये फीचर क्या है। वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम तभी होता है जब किसी व्यक्ति का परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, वो कमाने लायक नहीं रहता है। तो कई कंपनियां, सभी कंपनी नहीं, थोड़ी ऐसे स्पेसिफिक प्लान्स हैं जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए कि यदि मेरी कमाने की फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं होती है और डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया है, तो इसके कारण मेरे सारे फ्यूचर प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी माफ कर देगी और मेरा जीवन बीमा और क्रिटिकल इलनेस कवर कंटिन्यू रहेगा। तो ये रहा वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट्स भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। देखिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं उसको ये सब चीजें समझनी जरूरी है, और हमारा फॉर्म ये बिलीव करता है कि आपको जितना ज्ञान मिलेगा आप उतना एम्पावर होंगे और आप उसको आप यूज कर सकेंगे अपने फ्यूचर के लिए। टर्मिनल इलनेस अलग होता है, इसमें बहुत सिंपल एक क्लॉज है जो अगेन सारी का में नहीं होता है। मान के चलिए कि किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाता है, मतलब वो आदमी कोमा में चला जाता है और कई महीनों की ट्रीटमेंट के बाद भी वो कोमा से बाहर नहीं आ पाता है, और डॉक्टर्स इसके ऊपर होप गिव अप कर देते हैं कि ये बंदा वेल क्लिनिकली ही इज अलाइव, इनका कोमा से आने का चांस बहुत ही कम है। सो ऑल लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स आर ट्रिगर्ड ओनली व्हेन अ डेथ सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड, ओनली व्हेन द पर्सन इज सर्टिफाइड एज अ डेथ हैज हैपेंड। बट इन सम केसेस, इन सम पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आदमी की डेथ नहीं है, वो घर पे या हॉस्पिटल में कोमा में है लेकिन क्लिनिकली डेथ सर्टिफाई हो गया है, फिर भी उसको पूरा जो कवर है 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख जो भी उसके बीमा का उसका जो भी कवर है वो उसकी फैमिली को मिल जाता है। सो अगर आप देखें कि ये 3 या 4 हमने जो फीचर्स आपके रखे हैं, आप अपनी पॉलिसी में जरूर जाके देखिए, उसको जरूर इवेल्युएट करिए, उसको एक बार देख लीजिए कि भाई इसमें ये फीचर्स हैं या नहीं। यदि है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं है
तो क्या हम अपने आप को एक ऐसी प्लान में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे हम कवर मिल सकता है? दोस्तों, इसमें एक गुड न्यूज ये है कि आप अपना बीमा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटा 2 मिनट का वीडियो है, वो मैं बाद में प्ले कर सकता हूँ। ऑल्सो देर आर सर्टन स्मॉलर बेनिफिट्स विच आर ऑन दिस स्लाइड। जो बिजनेस ओनर्स हैं, तो पता ही होगा कि इंडिया में जैसे अंबानी, टाटा और बिरला भी हैं, लेकिन ऐसे लाखों छोटे व्यवसाय हैं और SME जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसके ऊपर पूरा भारत का आर्थिक दायित्व टिका पड़ा है और जिसे हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज भी किया है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज इज द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया, और बहुत महत्वपूर्ण उसको लाभ भी दिया है। तो ये जो बिजनेस ओनर्स हैं जिसके छोटे छोटे व्यवसाय हैं, from 10 to 100 एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है अगर उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए एज मैनेजमेंट, या अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर्मेट में ये सब कवर्स लिए। तो ऐसे भी प्लान्स है कि ये सब उनको टैक्स में फायदा हो सकता है। और इंडिविजुअल्स के लिए मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आप उसका लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा स्लाइड, या हमारा जो भी थॉट्स है लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा में, जो भी नए नए पड़ाव हमने पार किए हैं, और जो हम उपभोक्ता की हैसियत से या बिजनेस ओनर की हैसियत से हम इसके एडवांटेज ले सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने ये एक बहुत ही कंसाइज और सिंपल स्लाइड बनाई है। This is the second video in our series, which is a brand new series titled Insurance Simplified. We are going to discuss porting and restoration. What is porting? Porting is very simple. You can move your existing policy from one insurance company to another. Just like if you're not happy, let's say with Vodafone, you can move to Reliance in your change your service provider of your cell phone company, keep the same number, same way you can port your insurance policy. What are the benefits of porting instead of taking a brand new cover? The benefits are twofold. One is that you continue to enjoy the benefits that you had under your existing policy, which means the bonuses over the last many years continues into the new policy. Secondly, when you are looking at porting into another company, you don't have any waiting period because you're treated like a continuing customer of the general insurance industry. So let's say you are with the insurance company A, there is an X amount of cover, you have Y amount of bonus, you're happy, or you feel there's a better deal with another company, you can port. That's what I mean by porting. Instead of buying a new policy where you might be subject to waiting periods, this is a better option. What is restoration? Restoration is a extra bonus given to you in case you exhaust your first sum. So for example, let's say you're with company A, you've taken a policy, let's say a family plan, medical plan of say 10 lakhs for four people in your family. By chance, because of any illness, you have utilized that 10 lakhs entirely during the year, your plan is finished. If you have a good quality plan with a good company, which we typically offer on that, so you get 10 lakhs additionally given to you as a Mediclaim cover, without any extra premium. There are certain plans which give you 100%. So if you're an ethical advisor, we'll be very happy to be of use to you. If you like this video, please hit the like button as a Mediclaim cover without any extra premium. There are certain plans which give you 100%. So if you have taken 10 lakhs, you get a restoration of 10. Or there are certain plans which give you 3 restorations. So if you've taken a policy of 10 lakhs, you might actually get 10 lakhs of restorations during 1 year on the exhaustion of the previous 10 lakhs. We have a whole host of options. Please do contact us for family Mediclaim covers. We at Ethical Advisors will be very happy to be of use to you. If you like this. Mr. Bindu, can you hear me? Can you the video yes, audible? Yes. Okay. There was a few breaks in the. But it's okay. It's okay. I think we can. Well, I would suggest that you share all your details in the chat box because that will be helpful to all the participants. Yeah. Okay. So basically, dosto, humne ek chota sa स्टेप किया था, क्योंकि जब हम जीवन बीमा पे हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग ने इस पे जो एक महत्वपूर्ण इस पे जो पहलू था, इसके ऊपर हमने ये करना था। जैसे हमने देखा एंड सेटिंग द स्टेज फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारे यहाँ पे जो
दोस्तों दोस्त हैं, जैसे हमने देखा कि एक प्रोटेक्शन होता है लाइफ का, दूसरा होता है मेडिक्लेम का। मेडिक्लेम की फील्ड में जैसे आपको पता है 30 से 40 इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे हैं, मौजूद हैं इंडिया में। मेडिक्लेम्स ज़्यादातर के हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे जो जॉब हम जो करते हैं, तो उनको तो डायरेक्टली उनकी कंपनी मेडिक्लेम कवर दे देती है। इट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स, इट्स वन ऑफ द परक्विजिट्स दैट इज एंजॉयड एट ऑल लेवल्स। एंड ऑल्सो जो अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना खुद का प्लान चूज कर सकते हैं। अब रहा सवाल चूज करने का, तो इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। या तो अगर आपकी जॉब है और आपके ऑलरेडी किसी कंपनी में कवर है, इसमें और आपके पर्सनल कवर में, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आइए समझें कि इसमें अंतर क्या है। पहले तो कि जब ग्रुप इंश्योरेंस कोई भी कंपनी लेती है अपनी एम्प्लॉयज के लिए, तो उसमें बोनस का अक्रूअल आपको इंडिविजुअली नहीं मिलता है। और एक बहुत बड़ा पहलू इसमें यह है कि जब एक कंपनी है जिसके 200, 300, 500 एम्प्लॉयज हैं, या मेगा कंपनीज है जिसके 2000, 3000, 5000 एम्प्लॉयज हैं, आपको पता होगा कि इंफोसिस, टीसीएस वगैरह उनके तो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं, दे आर रनिंग टू लैक्स। इस सिचुएशन में कोई भी कंपनी हर एक एम्प्लॉय को बहुत बड़ा कवर देने की चेष्टा भी नहीं कर सकता है, उसका फाइनेंशियल बर्डन बहुत हो जाता है। तो कई तरह हमने देखा है, ज़्यादातर कंपनी 2-3-5 लाख का कवर अपने तरफ से देते हैं और पूरी फैमिली के लिए होता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी पूरी फैमिली के लिए उतना कवर होता है। आप ही सोचिए कि आज के सिचुएशन में, महामारी के सिचुएशन के बाद तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्या ये कवर एडिक्वेट है, या कहीं ऐसा हो कि मैं अपना खुद का भी कवर ले सकता हूँ जहाँ पे मुझे टैक्स इंसेंटिव मिल सकता है। ये बहुत एक आपकी सोच बनाने की बहुत बड़ी विशेषज्ञ और जरूरत है, विशेषता है, क्योंकि अगर हमको ऐसे मान के चले कि मेरी कंपनी का कवर है, और यदि हमें पता भी ना हो कि कितना है, और कल उठ के बहुत बड़ा अगर एक हादसा होता है, या हॉस्पिटल क्लेम होता है, या क्रिटिकल इलनेस होता है, तो उसका सारे का सारा दायित्व तो आप पे आ जाएगा। तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हर एक एज ए रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इवेल्युएट वॉट इज अवर कवरेज। और वो आप किसी एक्सपर्ट को पूछ के या अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आप देख सकोगे कि एडिक्वेट है या नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 99% नहीं, 100% ऑफ द टर्म टाइम्स योर एम्प्लॉयर विल नॉट बी एबल टू गिव यू दैट प्रोटेक्शन विच अ प्रैक्टिकल इलनेस विल वॉरंट इन द फ्यूचर। हर साल अपना बीमा तो रिन्यू कर लेते हैं मेडिक्लेम का, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि इससे बेटर कुछ है, क्या हम पोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वीडियो में देखा कि आपका जो भी एग्जिस्ट, आप 10 साल से प्रीमियम भर रहे हो एक कंपनी के साथ, लेकिन दूसरी कंपनी में बहुत बेटर प्लान है, तो सेम प्रीमियम के साथ या छोटा थोड़ा और एडिशन करने से आपका कवर डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। क्या आपने उसके ऊपर ध्यान दिया है? क्या आपने ये ध्यान दिया है कि इंडिविजुअल कवर के तहत अगर आपका खुद का पॉलिसी है, तो इंडिविजुअल पॉलिसी 5-5 लाख की अगर आपने ली है सबके लिए, फैमिली के लिए, उसके बदले में क्या आपने 20-25 लाख का फ्लोटर ले लेना है, तो उसमें आपका कॉस्ट का भी सेविंग होता है। और अगर किसी एक को भी बीमारी बड़े अमाउंट की हो गई, तो कुछ भी इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, पूरे का पूरा 20 लाख 25 लाख वो पर यूज कर सकता है। तो फैमिली फ्लोटर इज एन इकोनॉमिकल प्लान, व्हाई नॉट रिप्लेस, व्हाई नॉट पोर्ट इनटू समथिंग टू मेक अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग। मेडिकल इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा लैक्यूना था पहले, कि कवर 1-2-3-5 लाख का ही मिलता था। आज प्राइवेट सेक्टर इतना ये हो गया है, इतना कैपिटलाइज हो गया है कि अप टू 1 करोड़ ऑल्सो दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क एंड गिव यू अ मेडिक्लेम कवर। तो ऐसे प्लान्स भी अवेलेबल हैं कि वो लोग वो रिस्क एंड उसका जो प्रीमियम आता है, आप यू नो सोचोगे कि यार ये क्या प्रीमियम है, मतलब इतने में इतना कवर कैसे दे सकते हैं, इतना ज़्यादा कवर। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई कोई प्लान जो हैं, ज़्यादातर के प्लान रिस्टोर कर देते हैं आपका लिमिट। तो मान के चलो आपने 20-25 लाख का बीमा लिया है और वो पूरा यूजअप हो गया ये एक ही साल में, तो जैसे हमने वीडियो में बताया था, वो पूरे का पूरा यूजअप होने के बाद एक और बीमारी होती है, दूसरा क्लेम आता है। तो कई जो लीडिंग कंपनीज हैं
वो आपको वापस आपका जो सम इंश्योर्ड है रिस्टोर करेंगे, मतलब आपको और लिमिट देंगे वो कैशलेस कवर का, कि आप जाओ, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपके खीसे में से नहीं भर सकोगे, ठीक है हम भरेंगे, तो इसको नहीं आता है। तो पुराने जमाने में 2 या 5 या 4% का बोनस मिलता था, मतलब न के बराबर था। आज की तारीख में ऐसी मेडिक्लेम्स हैं जो आपको 25% बोनस में इजाफा करके देते हैं। तो अगर आपका 10 लाख का प्लान है, अगले साल आपको 12.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो। कई ऐसे प्लान हैं जो 100% नो क्लेम बोनसेस देते हैं, ऐसे भी नए नए प्लान आए। हमारा ये इस वेबिनार के माध्यम से इन सब चीजों में जागरूकता जागृत करने के लिए हमने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है कि आपको नो क्लेम बोनस 5 के बदले में 10, 20, 25 या इवन 100% तक के प्लान हैं। क्या आपको उनके बारे में पता है? ऐसे कई प्लान हैं मार्केट में जो अभी आए हैं, जो क्रिटिकल डिजीज होने के बाद भी आप ले सकते हो मेडिक्लेम। अगर 10 साल पहले अगर इसकी तुलना करें, तो अगर किसी को कैंसर हो चुका है, उसको अभी जाके पता चला है, उसके बाद उसको मेडिक्लेम चाहिए, तो उसका सीधा मतलब वो रिजेक्ट हो जाता था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, या कैंसर अनफॉर्चुनेटली किसी फैमिली मेंबर को हुआ है, उनके लिए स्पेशल प्लान्स भी मार्केट में उपलब्ध है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टैक्स रिबेट। आपको सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पता होगा। ये ऐसा सेक्शन है जो गवर्नमेंट ने खास कर इंट्रोड्यूस किया है कि आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपका बीमा भरते हो, अगर आप अप टू 35,000 पर पर्सन, सो एवरी अर्निंग मेंबर कैन प्रेजेंट दिस इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीट एंड क्लेम द टैक्स डिडक्शन, आपका टैक्स बचा सकते हो, तो गवर्नमेंट एंकरेज करने के लिए कि आप अपनी सुरक्षा भी करें और टैक्स में भी आप, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है 80D। और इसी एज अ फाइनेंशियल प्लानर हमारी ये गुजारिश है कि इसको आप लिमिट ना समझें कि मैं 35,000 तक का ही मैं लूंगा, इतना तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिल ही। आपको कवर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फैमिली के लिए कितना कवर इंपॉर्टेंट है, वो एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है, उसी के हिसाब से आप उसका बीमा करा सकते हो। लेकिन अप टू 35,000 आपको टैक्स ब्रेक मिल जाएगा, ये तो गारंटीड है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक बेनिफिट मिलता है, अगर आप ग्रुप फॉर्मेट में लेते हो, आप अगर बिजनेस ओनर हो, तो जो भी आप मेडिक्लेम्स पे जो खर्चा करते हो अपने एम्प्लॉयज पे, यू कैन टेक इट एज एक्सपेंस। अगर आपका छोटा या बड़ा व्यवसाय है, ये आप अगर आप पे करते हो अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उसमें आपकी बिजनेस को टैक्स ब्रेक मिल सकता है। सो दोस्तों, पहले हमने देखा कि जीवन बीमा और दूसरा हमने देखा कि मेडिक्लेम में क्या क्या भारत में इनोवेशन आए हैं, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये सारी तब्दीलियां होने के बावजूद इंडिया में प्रीमियम रेट्स लाइफ इंश्योरेंस के और मेडिकल्स के, मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस के, विश्व में सबसे कम दर पे है। इट बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड आवर इंश्योरेबल पॉपुलेशन इज बिग, वी हैव द एडवांटेज। इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो लाखों में नहीं करोड़ों में आपको कवर देने के लिए तैयार है, और उसका जो प्रीमियम आता है काफी आपके बजट में फिट होता है, और उसके उपरांत आपको गवर्नमेंट का टैक्स इंसेंटिव भी मिलता है। तो इसमें देर किस बात की, आप अभी के अभी अपना इवैल्यूएशन करके आप आगे बढ़ सकते हो। कोविड के बाद सारे का सारा ध्यान विश्व भर में इस पे है, हम क्यों इसके में, हम क्यों अपने फैमिली को प्रोटेक्ट ना करें। ये रहा अपने पर्सनल फाइनेंस के तहत लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के स्पेसिफिक इनोवेशन पे थोड़े टिप्पणियां। आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जिसके हम कहते हैं, उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। एक तो आपको पता होगा कि एज ए सोसाइटी मेन थिंग व्हाट वी डू इज वी इंश्योर आवर प्रीमाइसेस अगेंस्ट फायर, अर्थक्वेक, बर्गलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आपकी बिल्डिंग हो या आपका कॉम्प्लेक्स हो, इसमें तो एक मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था जिसमें एक बहुत ही लीडिंग, भारत में छोड़ो मुंबई सिटी में ऐसी कई सोसाइटियां हैं, ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं जो अनइंश्योर्ड है, जिनको
या तो उनकी मैनेजिंग कमिटीज को पता नहीं है या उनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, उनको विलिंगली या अनविलिंगली ऐसी 25-30% ऑफ द सोसाइटीज, ऑर्गेनाइज सोसाइटीज, मैं चौल या झुग्गी झोपड़ी की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ कि इतना अंडर इंश्योरेंस है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, कहीं कल जाके फायर हुआ या कुछ गैस सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ, कहीं डैमेज हुआ प्रॉपर्टी में इम्पैक्ट के थ्रू, तो ये खर्चा आप कैसे उठाओगे? पहलू है जिसमें मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स हो या आपकी सोसाइटी में इंश्योरेंस है या अंडर इंश्योरेंस है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दें। IRDA के वेबसाइट पे भी लिखा गया है, बहुत क्लियर उसमें उदाहरण दिए गए हैं कि अंडर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मैलेज है, इसमें बहुत बड़ा खतरा है जिसने इंश्योरेंस नहीं किया है उसको, इंश्योरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंडर इंश्योरेंस अगर होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 करोड़ की है और आपने प्रीमियम बचाने के लिए 5 करोड़ का बीमा लिया है, ये बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, और इसी पहलू पर हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के एंड में। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी सोसाइटीज हो या आपकी फैक्ट्री हो या आपके आपके शॉप्स हो, इसमें कमर्शियल पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक नया इनोवेशन है, उसको आप देख सकते हो, उसके दैट्स अनदर ऑप्शन। सो अगर आपकी पुरानी पॉलिसी में ऐसे क्लॉजेज नहीं हैं जो नई नई कमर्शियल पॉलिसीज में हैं, तो आप अगेन उसको इवेल्यूएट कर सकते हो, करा सकते हो और उसके तरफ ध्यान दे सकते हो। आपका देखिए प्रोटेक्शन या सुरक्षा, ये टॉपिक ऐसी है जिसमें जितना आप ध्यान दोगे आप ही का फायदा है फ्यूचर में, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का जो इक्विपमेंट है वो रेडी होना चाहिए, आप उसके लास्ट 24 आवर में एंड मौके पर आप कुआ नहीं खोद सकते। तो ये हम इसके क्यों ध्यान या क्यों स्ट्रेस देते हैं कि जो भी हमारा प्लान आज है वो हमको फ्यूचर रेडी करता है कि नहीं। सो आप जैसे देखो कि प्राइसिंग में जो नए प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल फायर प्रोडक्ट्स या कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क प्रोडक्ट्स या ये जो स्टैंडर्ड फायर एंड पेरिल्स पॉलिसी विद VAS फीचर्स, ये सारी पॉलिसियां हैं, इसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो, क्योंकि इसी में आपका फायदा है। एकदम ऊपर के जो सेक्शन में हमने 3-4 लायबिलिटी प्रोडक्ट्स भी हाईलाइट किए हैं, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा। लायबिलिटी जो है वो मतलब एक तरीके से फ्यूचर चार्ज होता है। लायबिलिटी का मतलब है अगर कुछ मेरे पे फ्यूचर में क्लेम आया, तो जैसे अभी मान के चलिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आपने किसी का ऑपरेशन किया है, उसकी जो डेथ हो गई है, उसका जो ट्रीटमेंट, उसको फैमिली को लगता है कि उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ है, वो आराम अंडर द लॉज ही कैन गो एंड पुट अ क्लेम अगेंस्ट यू कि ये जो इन्होंने जो प्रोफेशनल उन्होंने काम किया है उसके कारण किसी की डेथ हो गई है, और अगर वो प्रूव हो जाता है कि आपकी इसमें मिस्टेक हुई है, आपके ऊपर बहुत बड़ा क्लेम आ सकता है। इट इज वन लायबिलिटी प्रोडक्ट, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा क्लेम आ सकता है और आपको उसका भरपाई, उसकी उसका जुर्माना, उसका भरपाई करना पड़ता है। तो अगर आपने प्रोफेशनल इंडेमनिटी प्लान ले ली है, विच इज अगेन अ न्यू इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अगर आपने छोटा सा कवर ले रखा है, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है, तो आपको इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकती है। वैसे ही डायरेक्टर्स इंडेमनिटी होता है, आप कोई कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर हो, आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो, और आपको ग्रुप में अगर किसी ने किसी मेंबर ने स्यू कर दिया है कि भाई एक मेंबर ने अपना काम ठीक से नहीं किया है या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो आपको तो पता ही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बायलॉज के तहत अगर किसी एक कमेटी मेंबर ने भी कुछ मिस अप्रोप्रिएशन या फ्रॉड किया है, लायबिलिटी सारे के सारे कमेटी में आ सकती है, और आपके पर्सनल एसेट्स भी, आपकी निजी संपत्ति भी अटैच हो सकती है कोर्ट ऑर्डर अगर आपके खिलाफ गया तो। तो ये जब हम हमारा हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जिस जब हम इंश्योरेंस करते हैं, इनका जो बीमा करते हैं, खाली सिर्फ प्रॉपर्टी का हम नहीं उनको रेकमेंड करते हैं नए जनरेशन प्रोडक्ट से, हम उनको ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी है या डायरेक्टर्स इंडेमनिटी है कमेटी वालों के लिए, वो भी आप प्लीज लेके रखो, क्योंकि इसके इसका उपयोग कब आ सकता है ये हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये बिजनेस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जो भी इसमें नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं,
केस लाइट पे हमने उसका विश्लेषण किया है और एंड में आप देख सकते हो कि जब हमने इनोवेशंस की ही हमने बात छेड़ी है, जब हमने नए नए प्रोडक्ट्स की बात छेड़ी है इंडिया में, तो आप देख सकते हो कि कैसे नए नए अलग अलग प्रोडक्ट्स इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का इवेंट हो या किसी की, मान के चलो किसी की वेडिंग हो और किसी का स्पोर्ट्स इवेंट हो, तो उसको भी आप इंश्योर कर सकते हो इन केस ऑफ कैंसिलेशन। जैसे आपने वेन्यू का पैसा भरा है, अपने स्पॉन्सर्स के पास एडवांस लिया है, लेकिन वो इवेंट होते ही नहीं है, उन्होंने कितने लास्ट कितने सालों से इंश्योरेंस कर रखा है, वो प्रीमियम भरे जा रहे हैं, इस साल कोविड के लिए कैंसिल हुआ, तो विंबलडन जो लॉन टेनिस एसोसिएशन है उनको बहुत बड़ा मिलियंस ऑफ पाउंड्स का क्लेम आज इनको मिला है। उनको जो भी उन्होंने नुकसान अगर उनको हुआ होगा आज ये साल में, पूरे का पूरा कवर्ड है। तो एक इवेंट बेस्ड इंश्योरेंस है। दूसरा, मोटर इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा इनोवेशन आया है कि यू कैन यूज माइलेज बेस्ड इंश्योरेंस। जितनी आपकी गाड़ी आपको लगता है ये साल में चलेगी, उसका आप एस्टिमेट करो, उसका कंपनी से उतना ही प्रीमियम भर के उतने का आप कवर ले लो। आपको पूरा मॉडल के हिसाब से कवर पे करने की, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। आपके अगर घर में जो है, प्रॉपर्टी है, टेंट्स हैं, जैसे टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, लग्जरी गुड्स हैं, आर्ट, एंटीक्स वगैरह, उस सब का बीमा ले सकते हो पर्सनली। ये आपके सोसाइटी में नहीं आएगा, तो सोसाइटी जो कवर लेती है वो स्ट्रक्चर के लिए लेती है, आपके पर्सनल ज्वेलरी और पर्सनल एसेट्स के लिए अलग से लेना पड़ता है। और ऐसे भी बीमा आए हैं जो आप अगर आपके धंधे के लिए, आपके बिजनेस के लिए या पर्सनल ट्रैवल के लिए आपको बार बार ओवरसीज जाना पड़ता है, तो हर बार आपको मल्टीपल पॉलिसीज इन वन गो एंड कवर इट फॉर वन ईयर। सो आप जैसे देख सकते हो एनआरआई इंश्योरेंस, ऑल इन वन हाउस इंश्योरेंस, ये काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं जिसकी जिसकी जांच पड़ताल, जिसकी नॉलेज और जिसका जो उसका सही उपयोग एक एक्सपर्ट ही आपको समझा सकता है। आप अपने व्यवसाय में, आप अपने इसमें बिजी हो, तो आप किसी का नॉलेज, किसी के एडवाइस का आप उपयोग कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था हमारा प्रेजेंटेशन। हमने जो भी हमारे थॉट्स थे हमने आपसे ऐसा शेयर किए हैं। वी विल लाइक टू ओपन अप द चैट, मिस्टर पिंटो, if there's any questions, if there's doubts, please put in the chat or can just raise your hand. Yes, I will take the questions, but just before I go into that, I would like to say a big thank you for your insights on the topic of protection products. You help throw light on proper planning of one's wealth and related protection planning. The innovative insurance and mediclaim options that you shared, I'm sure will help our participants make both an informed plan on one's protection planning and their financial planning. On another note, you also touched upon the business planning and property insurance. This platform being primarily for housing society, it was good that you also touched on the insurance of housing societies and being future ready. I, for one, surely will be getting in touch with you, because what I saw was, you talked about special plans for dyslexic children. I do a little bit of social work with special children, you understand. So I'm sure I will get in touch with you. I'll get our organization to get in touch with you, for how to take it forward for these special children. Thank you so much once again for your all the insights that you shared with us, and on behalf of all the participants, I once again say a big thank you.